किम जोंग उन ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लिखा पत्र। ट्रंप के साथ एक और बैठक की जताई इच्छा। व्हाइट हाउस ने पत्र को बताया सकारात्मक। ब्राजील के परेबा की जेल से 105 कैदी फरार, 33 को पकड़ा गया। राइफल्स और विस्फोटकों से लैस 20 बंदूकधारियों की मदद से भागे कैदी। इदलिब में सीरियाई सेना के हमलों पर तुर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोगन ने जताई चिंता। कहा ये हमले तुर्की और यूरोप के लिए मानवीय और सुरक्षा संकट पैदा करने जैसे। ब्राजील में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जैर बोल्सोनारो चुनावी सर्वेक्षणों में आगे। वामपंथी किरो गोमेज बने लोगों की दूसरी पसंद। और सीरिया के तट पर शरणार्थियों की नाव डूबने से अब तक 100 से ज्यादा लोगों की मौत। सामाजिक कल्याण संस्था मेडिसिन सेंस फ्रंटियर्स ने की पुष्टि। 1 और 2 सितंबर को हुए थे हादसे। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए यूट्यूब पर टाइप करें DB Live, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें।